ऑप्टिक्स में किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से डिस्टेंस नापने की जो चयन परिपाटी है उसको अभी हम समझेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। साइन कन्वेंशन यह कहता है कि आप अपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से यदि डिस्टेंस जो आपतित किरण है उसकी विपरीत डायरेक्शन में मेजर करते हो तो उस डिस्टेंस को आप नेगेटिव यानी ऋणात्मक लीजिए। इसके विपरीत ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से आप इस डायरेक्शन में यानी उसी के डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करते हो तो उसे आप पॉजिटिव लीजिए। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है? लेंस हो सकता है, मिरर हो सकता है, ये सब क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसी के साथ इसकी ऑप्टिकल एक्सिस की जो ऑप्टिकल एक्सिस है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जो ऑप्टिकल एक्सिस है उससे ऊपर यदि कोई आप डिस्टेंस मेजर करते हो, जैसे यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख रखा है, तो इसकी हाइट लेंगे तो वो तो हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। इसके विपरीत माना कि इसकी इमेज नीचे बनी तो इसकी जो ऊंचाई लेंगे वो हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। और ये कैलकुलेशन करने पर अपने आप ही नेगेटिव आती है। अब देखिए इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल में देखिए यहाँ पर हमें कोई 10 सेंटीमीटर फोकस का कोई मिरर दे रखा है, ये अपना क्या है? मिरर। 15 सेंटीमीटर पर हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है और हमें यहाँ पर वी फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए एफ इजी कुछ हम क्या लिखेंगे? -10 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि किरण की डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन। हम यहाँ से इसकी विपरीत डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं अपने इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। तो एफ इज इक्वल टू माइनस, ठीक इसी प्रकार से यू इज इक्वल टू बी क्या आएगा? माइनस का 15 सेंटीमीटर। कितनी है डिस्टेंस? 15 सेंटीमीटर। अब मिरर का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? 1/ एफ इज इक्वल टू 1/ वी प्लस 1/ यू। यहाँ पर सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, -10 -15। अब इसको इस तरह भेजते हैं तो अपने पास v इज इक्वल टू कितना आया? -30 सेंटीमीटर। यानी इसका जो इमेज बनेगा वो इसी डायरेक्शन में बनेगा और कहाँ पर बनेगा? 30 सेंटीमीटर पर बनेगा। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने इसके ऊपर रख रखा है, यानी इसकी हाइट ऊपर की ओर मेजर कर रहे हैं, और माना कि इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर है तो हम इसको क्या लेंगे? प्लस लेंगे। अब हम जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। अब इमेज की फाइंड करना, ऑब्जेक्ट को हमने 1 सेंटीमीटर लिया है, वी अपने पास क्या आया? -30 आया, यू क्या है? -15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ओके, ये कैंसिल हो गया, तो आई इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया? -2 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो इमेज है वो यहाँ पर इससे 30 सेंटीमीटर पर माइनस यानी नीचे की ओर 2 सेंटीमीटर हाइट की बनेगी। तो इस प्रकार से आप साइन कन्वेंशन को यूज़ कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।